दोस्तों, बचपन में हम सभी लोगों को लगता था कि पेंसिल के छीले हुए कचरे को दूध में डालकर उबालने से रबर बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रबर बनाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है और इसे फैक्ट्रियों में बहुत ही मेहनत के साथ बनाया जाता है। तो फिर चलिए आज जान लेते हैं कि पेंसिल को मिटाने वाला रबर आखिर बनता कैसे है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि अगली बार मैं जब नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। रबर कुछ खास तरह के पेड़ों और दूसरे पौधों से लेटेक्स तरल रस निकालकर बनाया जाता है, जबकि ज्यादातर लेटेक्स हेविया ब्रासिलियंसिस पेड़, जिसे रबर का पेड़ भी कहा जाता है, उससे प्राप्त होता है। 2500 से ज़्यादा किस्म के पेड़ और पौधे, जिनमें डंडेलियन भी शामिल है, सही किस्म का रस पैदा करते हैं। लेटेक्स को टैपिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से काटा जाता है। यह पेड़ की छाल में चीरा लगाकर और बाहर निकलने वाले रस को कप में इकट्ठा करके किया जाता है। रस को जमने से रोकने के लिए अमोनिया मिलाया जाता है। फिर रबर निकालने के लिए मिश्रण में एसिड मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को जमावट कहा जाता है। फिर इस मिश्रण को रोलर्स से गुजारा जाता है, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। रोलिंग पूरी हो जाने के बाद रबर की परतों को स्मोक हाउस में रैक पर लटका दिया जाता है, या हवा में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कई दिनों के बाद वे प्रसंस्करण के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक रबर को भी उपयोगी उत्पाद में बदलने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले रबर को स्थिर बनाने के लिए उसमें रसायन मिलाए जाते हैं। ये रसायन रबर के इच्छित उपयोग के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के बिना रबर ठंड में भंगुर या उच्च गर्मी में चिपचिपा हो जाएगा। इस चरण में रबर के मिश्रण में अक्सर कार्बन ब्लैक भराव मिलाया जाता है, ताकि इसकी ताकत और स्थायित्व में सुधार हो सके। रबर को मिलाया जाता है, ठंडा किया जाता है और आकार दिया जाता है। रबर को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए इसे वल्केनाइजेशन नामक ऊष्मा उपचार चरण से गुजरना पड़ता है। अनिवार्य रूप से रबर के अणुओं के बीच अतिरिक्त बंधन या क्रॉस लिंक बनाने के लिए रबर को पकाया जाता है, ताकि वे आसानी से अलग न हो जाए। वल्केनाइजेशन के बाद रबर अधिक कठोर और अधिक टिकाऊ हो जाता है। ये सब हो जाने के बाद रबर को मशीन में डाला जाता है। ये मशीन रबर को सही आकार में काट देती है। रबर को सही शेप मिल जाने के बाद इस पर ब्रांड और कंपनी का नाम का कवर लगाया जाता है। इसके बाद सभी रबर को बॉक्स में पैक किया जाता है। पैक करने के लिए बहुत ही अच्छे और महंगे क्वालिटी के बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसे फैक्ट्रियों से बाहर दुकानों में भेजा जाए तो ये सुरक्षित रहे और खराब न हो। रबर बॉक्सेस में पैक होने के बाद इसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वाले के साथ शेयर अवश्य करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यह हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।